सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। अठारह नवंबर 2017 को आ गई है शनि अमावस्या। करे अचूक उपाय, जरा से काले तिल रातों रात चमका देंगे आपकी किस्मत। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों 18 नवंबर 2017 शनिवार के दिन अमावस्या आ रही है और शनिवार के दिन जब अमावस्या तिथि आती है तो ऐसे में शनिश्चरी अमावस्या का महासंयोग निर्मित होता है। लेकिन इस बार एक खास बात यह है कि शनिदेव मूल नक्षत्र में इस समय विचरण कर रहे हैं और 18 नवंबर के दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा जो कि शनिदेव के प्रिय नक्षत्र है। इन नक्षत्रों के संयोग से शनि अमावस्या विशेष हो गई है और यह दुर्लभ संयोग कई वर्षों के बाद में निर्मित हो रहा है। वर्तमान समय में शनिदेव 26 अक्टूबर से धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब मूल राशि में उनका गमन हो चुका है। इस कारण वृश्चिक, धनु और मकर तीन राशि को साढ़े साथी चल रही है और वृषभ और कन्या राशि को अढ़ैया शनि चल रहे हैं जो कि 23 जनवरी 2020 तक रहेंगे। इस दौरान जिनको साढ़े साथी और अढ़ैया शनि का प्रभाव चल रहा है उनको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ये उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो काले तिल होते हैं उनके माध्यम से आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को यदि आप शनि अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। लेकिन जिन लोगों को साढ़े साथी और अढ़ैया शनि का प्रभाव है या फिर जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर बनी हुई है उन व्यक्तियों को तो शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये जो है अचूक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो सभी लोगों को शनि अमावस्या के दिन ये उपाय करना चाहिए लेकिन जो शनि से पीड़ित है उनको तो अवश्य ही ये उपाय कर लेना चाहिए। तो मित्रों हम आपको काले तिल से संबंधित एक उपाय आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि शनि अमावस्या के दिन आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सर्वप्रथम प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उस दिन जल्दी उठ करके पवित्र जल में या तीर्थ में, नदी में या किसी भी शुद्ध जल से जो है शनिदेव का ध्यान करके और स्नान करें। स्नान करने के बाद में उस दिन शनिदेव का आवाहन जरूर करें। हाथ में नीले पुष्प बेलपत्र अक्षत व जल लेकर के इस अभूतपूर्व वैदिक मंत्र से शनिदेव की प्रार्थना करें। रीम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनेश्चरम। शनिदेव का सबसे प्रिय मंत्र यह होता है और रीम बीजमय नीलांजन सदस आभा वाले रविपुत्र यमराज के बड़े भाई छाया के मार्तंड स्वरूप उन शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ और उनका मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार से ध्यान करके आवाहन करें। शनिदेव का समय वैसे तो सायंकाल बताया गया है, सायंकाल के समय शनिदेव का पूजन करना चाहिए। रात्रि के स्वामी शनिदेव होते हैं और शनिदेव के कोई भी उपाय यदि रात के समय किए जाए तो विशेष फलदायी होते हैं। लेकिन दिन में भी मध्याह्न काल भी किसी किसी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मध्याह्न के समय भी शनिदेव का पूजन अर्चन किया जा सकता है। इस दिन आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम शम शनेश्चराय नमः इस मंत्र की भी एक माला जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन आप संभव हो तो शनि चालीसा का भी पाठ करें। शनिदेव के मंदिर में आप जाएं, शनिदेव का दर्शन करें, उनका पूजन करें। शनिदेव की दशा में अनुकूल फल प्राप्ति करने के लिए आप ओम प्राम प्रीम प्रौम सह
शम शनेश्चराय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन काले उड़द की दाल की खिचड़ी और काला नमक डाल करके खाएं, इससे शनि देव आपके प्रसन्न हो जाएंगे। इस दिन मनुष्य को सरसों का तेल, उड़द, काले तिल, देसी चना, गुड़, शनि यंत्र और शनि से संबंधित लोहा और काला कपड़ा, ये सारी वस्तुएं जो है अपने ऊपर से उतार करके शनि देव के चरणों में चढ़ा करके शनि देव का तेल से अभिषेक करना चाहिए। शनि देव का तेल जो लिया जाता है वो सरसों का तेल भी लिया जाता है या फिर काले तिल का भी तेल शनि की पूजा में उपयोग कर सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ पर 7 प्रकार के अनाज चढ़ाना चाहिए। सरसों या तिल का तेल का वहाँ पर दीपक जलाएं, इससे कुंडली के ग्रहों के अशुभ फलों में कमी आती है, जीवन से अस्थिरताएं दूर हो जाती है और जीवन में स्थिरता का वास होता है। तो मित्रों, सबसे बड़ा और अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको काले तिल एक काले कपड़े में बांध लेना है और उस पुटली को अपने सिर से पैर तक 7 बार उतारना है और 7 बार उतार करके उस काले कपड़े की पुटली को आपको शनिदेव के मंदिर में चुपचाप जाकर के रख देना है। या फिर आप शनिदेव का मंदिर नहीं है तो जहाँ पर काले रंग के शिव जी हो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं, या फिर आप उस पुटली को जल में भी बंधी बंधाई प्रवाहित कर सकते हैं। इससे आपकी शनि पीड़ा समाप्त हो जाएगी, रात तो रात आपकी किस्मत चमक जाएगी। इसके साथ ही उड़द की दाल, काला नमक डाल करके जो है समय सायं के समय शनि मंदिर में जा करके शनि देव को भोग लगावे, इसे प्रसाद रूप में बांटे और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। उड़द की दाल की खिचड़ी गरीबों को दान करने से शनि देव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अमावस्या की रात्रि में 8 बादाम, 8 काजल की डिब्बी काले वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में रखें, अपनी संदूक में रखें या अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। इससे आर्थिक संकट आपके दूर हो जाएंगे, नौकरी व्यापार में धन लाभ होगा और अच्छी सफलता का अच्छा संयोग आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। शनि अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ की जड़ में गाय का कच्चा दूध चढ़ाकर उस मिट्टी से तिलक करें तो आपको अचानक धन प्राप्ति का योग निश्चित बन जाता है। शनि अमावस्या के दिन संपूर्ण श्रद्धा और भाव से पवित्र काले घोड़े की नाल या नाव की पेंदी की खील का एक छल्ला यदि बना करके आप मध्यमा उंगली में धारण करते हैं तो शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। शनि अमावस्या के दिन 108 बेलपत्र की माला बना करके भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं, काले रंग के यदि शिवलिंग का आप पूजन कर सकते हैं तो अत्यधिक शुभ रहेगा। साथ ही यदि आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो शनि अमावस्या के दिन आप रुद्राक्ष धारण करें, 7 दाने वाले रुद्राक्ष भी आप काले धागे में धारण कर सकते हैं। जिनके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है ऐसे व्यक्तियों को शनि की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए और शनि अमावस्या के दिन पवित्रता से रहना चाहिए। उस दिन व्यक्ति को मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, बीड़ी, सिगरेट या कोई भी नशीला पदार्थ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं, इसलिए आप घर में उस दिन सात्विक भोजन बनाएं तो अच्छा है। इसके अलावा उस दिन आपको गरीबों को भोजन कराने का भी विधान है। गरीबों को कंबल दान यदि शनि अमावस्या के दिन किया जाए तो शनि देव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ में काले कुत्ते को एक सरसों के तेल
लगी हुई रोटी यदि खिला देते हैं तो भी शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मित्रों, शनि अमावस्या के दिन आप यह अचूक उपाय अवश्य करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने मित्रों को भेजिएगा, अपने रिश्तेदारों को भेजिएगा और सभी परिजनों को अवश्य भेजिएगा। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।